अस्सलामु अलैकुम। कुदसिया बलोच, अरशद नवाज, अंशरा रानी, जरीफ, सानिया, फजल, मिर्खा, कौसर, यूनिस, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, 18 बच्चे लाइव आ चुके हैं। शबाना हसन लाइव आ जाएं जी, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, अपने मेट्स को टैग करें, लेक्चर स्टार्ट करें। आज हम फेसबुक फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ जाएंगे और तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे कि फाइवर प्रोफाइल क्रिएट करते हुए हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अफशीन, लैला, अलाबख्श, ताहिर, फरहान, साइनब, वालेकुम अस्सलाम, रब नवाज, वालेकुम अस्सलाम, मलिक मुदस्सर नवाज, वालेकुम अस्सलाम, वकास सरवर, वालेकुम अस्सलाम, जिशान हनीफ, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, ईमान फातिमा, हाँ जी बच्चे आ रहे हैं, हमें स्टार्ट करना चाहिए। जो लेट है हम लेट का मजीद कुछ नहीं कर सकते। अलाबख्श, आज असाइनमेंट नहीं चेक करनी थी। असाइनमेंट के लिए मैंने कहा था कि हम एक मिनट, मैं ग्रुप के अंदर वीडियो जो है उसको टैग कर दूं टॉप पे। ओके जी, असाइनमेंट आज हमने चेक नहीं करनी थी। असाइनमेंट का मैंने कहा था कि हम चेक करेंगे संडे नाइट। संडे नाइट को तसल्ली से बैठ के गपशप करेंगे और असाइनमेंट देखेंगे कि हाँ जी किस बच्चे ने कंटेंट राइटिंग के ऊपर क्या किया। आज हम क्रिएट करेंगे कि फाइवर प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट की जाती है, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं या उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज के लेक्चर के बाद दूसरी असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगी और दूसरी असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने मंडे वाले लेक्चर वाले दिन वो असाइनमेंट चेक की जाएगी कि किस बच्चे ने कैसी प्रोफाइल क्रिएट की। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो कंटेंट राइटिंग वाली प्रोफाइल संडे और आज वाली जो असाइनमेंट आप लोगों को दी जाएगी, हर किसी ने अपनी प्रोफाइल बनानी होगी और प्रोफाइल का लिंक मुझे सबमिट करना होगा। वो क्या होगा, वो किस तरह से होगा, वो असाइनमेंट जो होगी वो हम मंडे वाले दिन चेक करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। 26 बच्चा आ चुका है, मजीद बच्चे अभी आना बाकी हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इतना लेट करते हैं ये बच्चे। अच्छा जी, मेरी वॉइस और मेरी वीडियो सब क्लियर है ना? आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, ओके कर दे, मैं बिस्मिल्ला करूं। हाँ जी, अच्छा जी, स्टेप्स, हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। पहले हमने देखा फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, देन हमने देखा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है, कौन क्या कह किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जिसमें हमने देखा कि फाइवर था, फाइवर के साथ अपवर्क था और उसके बाद आप मजीद लेक्चर में देख सकते हैं। इसी तरह से एज सो ऑन काफ़ी सारे हमने फाइवर प्लेटफॉर्म देखे थे। उसके बाद हमने बल्कि इंट्रोडक्शन टू फाइवर भी हमने किया था प्रॉपर तरीके से,
देन हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट राइटिंग की थी, हर चीज तरतीब से लेके हम चल रहे हैं। और आज हमारा प्रैक्टिकल फ्रीलांसिंग की तरफ पहला स्टेप है कि हम लोग अपनी फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा फाइवर गिग क्रिएशन। फाइवर गिग क्रिएशन के बाद हमारा सिलसिला शुरू होगा स्किल्स का। स्किल सीरीज एक लंबी चौड़ी सीरीज जिसके अंदर हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम ये भी कवर करेंगे, वो भी कवर करेंगे, वो हमारी तफसील से सारी की सारी चीजें चलेंगी। तो आज हमारा स्टेप है फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन का। आज हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी फाइवर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन मेरे पास ऑलरेडी एक टेस्ट प्रोफाइल है पड़ी, लिहाजा मैं एक नया ब्राउजर ओपन करता हूँ। जैसे मैंने मोज़िला फायरफॉक्स है मेरे पास दूसरा ब्राउजर, ये मैंने ओपन कर लिया। आप लोग अपने पास से ये क्रोम ओपन कर लेंगे। अपने ब्राउजर के अंदर सबसे पहले ये है कि आप लोग अपना जीमेल अकाउंट, अगर किसी के पास नहीं है तो वो सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल ये फाइवर गिग क्रिएशन। अब यहाँ पे स्टेप है क्रिएट योर जीमेल अकाउंट। अच्छा जी, अब यहीं पे मैं fiverr.com भी ओपन कर लेता हूं कि ये हमें जीमेल की जरूरत क्यों पड़ रही है। fiverr.com मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं fiverr.com के ऊपर ज्वाइन का बटन आ रहा है। मैं इस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करता हूँ अकाउंट अपना क्रिएट करने के लिए। जी, मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने एक छोटी सी विंडो अपेयर हुई है, और उस विंडो के अंदर यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि कंटिन्यू विद फेसबुक कर लें, कंटिन्यू विद गूगल कर लें, कंटिन्यू विद आप लोग एप्पल आईडी कर लें, या आप एंटर एन ईमेल। तो हम जाएंगे एंटर एन ईमेल की तरफ, क्योंकि अगर आप लोग फेसबुक की साथ बना लेते हैं और कल आप लोगों की फेसबुक आईडी डीएक्टिव हो जाती है तो आप लोगों का फाइवर का अकाउंट भी क्या कहते हैं एक्सेस में नहीं रहेगा। सो लिहाजा बेहतर है कि आप लोग अपनी नया जो अकाउंट है वो आप लोग ईमेल से क्रिएट करें। तो ईमेल से क्रिएट आप लोगों ने अगर फाइवर का अकाउंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा है कि आप लोग अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लें जीमेल। अच्छा, यहीं पे ज्वाइन पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे वो हमारे से ईमेल मांग रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास अगर ऑलरेडी आप लोगों का जीमेल अकाउंट है पड़ा तो आप लोगों को अपना पहले वाला जो ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है पड़ा वही यूज करना चाहिए। अब मैं जीमेल अकाउंट शुरू से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्हें इस चीज का भी नहीं आइडिया कि हमारा जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। अच्छा, ये जो हम जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे ये जीमेल अकाउंट आप लोग फाइवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी भी किसी भी जगह पे जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं और आप लोगों से ईमेल मांगा जाता है तो सेम आप लोग यही ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने जब gmail.com ओपन किया तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हुई। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लूंगा, क्रिएट अकाउंट देन फॉर माई सेल्फ कर दूंगा, मेरे लिए अकाउंट है जी। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ फ्रीलांसिंग, नहीं सुहेल SSB, यूजर नेम SSB फ्रीलांस @gmail.com अवेलेबल नहीं है क्योंकि नीचे लिखा हुआ आ गया है यूजर नेम इज टेकन। अब SSB फ्रीलांसिंग करके देख लेते हैं तो ये उसका आई थिंक सो के अवेलेबल है क्योंकि हमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं मिला। देन हम यहाँ पे पासवर्ड अपना डालेंगे, पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस को कॉपी करके रख लेता हूँ। ईमेल एड्रेस जो अभी मैं क्रिएट करने लगा हूँ ये मैंने ईमेल एड्रेस क्रिएट किया @gmail.com। मैं अपने पास नोट भी कर लेता हूँ कि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे भूले ना, और पासवर्ड इसका मैं लगा देता हूँ 111111@ ये मैंने इसका पासवर्ड रखना चाहा है। अब मैं इसको पासवर्ड को कॉपी करते हुए पासवर्ड में पेस्ट करता हूँ, सेम कंफर्म वाले बॉक्स में भी वही पासवर्ड अपना डाल देता हूँ। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैंने जो ही किया ईमेल मेरा वही सेटअप हो गया जो मैंने सेटअप किया था। अब वहां ये मेरे से मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है,
फिलहाल ये यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शनल लिखा हुआ आ रहा है। ऑप्शनल का मतलब होता है मोबाइल नंबर लगाएं या ना लगाएं, नो प्रॉब्लम। सेम ईमेल मेरे से पूछा जा रहा है, ईमेल भी ऑप्शनल है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं। अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लगा लीजिएगा। जब आप लोग अपना मोबाइल नंबर लगाएंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप लोगों को वो वेरिफिकेशन कोड आप लोगों का अप्रूव करना पड़ेगा, कोड देना पड़ेगा। लिहाजा इन दोनों चीजों को ऑप्शनल होने की वजह से छोड़ते हुए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपनी डालेंगे, ठीक हो गया। देन जेंडर आप लोग अपना सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा आप लोग नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये साइड से स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, आप लोगों को यहाँ आई एग्री का बटन मिलेगा, आई एग्री आप लोग कर देंगे तो आप लोगों का जीमेल अकाउंट जो है वो फुल्ली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, क्रिएट योर जीमेल अकाउंट। अब हमने ये जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया, ये इसका पासवर्ड भी अपने पास सेव कर लिया है, अभी प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद ये अभी ओके हो जाएगा। हाँ जी, जीमेल अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, जीमेल अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम अपना वही जीमेल अकाउंट जो हमने अभी क्रिएट किया है इसको हम कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारे से रिक्वायर कर रहा है फाइबर के आप लोग ज्वाइन करते हुए मुझे अपना ईमेल एड्रेस दें। अब मैंने वही ईमेल एड्रेस जो जीमेल वाला मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। देन मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आप लोगों से वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर नेम। अब वो हमारे से पूछ रहा है यूजर नेम आप अपना बताएं। अब मैं फाइबर अपना ओपन करके आप लोगों को अगर दिखाऊं तो फाइबर के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो मुख्तलिफ किस्म की गिग्स बनी होती हैं तो उन गिग्स के अंदर हर बंदे का अपना एक नाम लिखा होता है। ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है, ये भी नाम लिखा हुआ है, सेम अलेक्जेंड्रा ये इसका नाम लिखा हुआ है, ये हमजा नाम लिखा हुआ है, ये जैकुलिन नाम लिखा हुआ है, ये मिस पाया नाम लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे यूजर नेम है और ये यूजर नेम कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। आप लोगों को एक बार अपना यूजर नेम क्रिएट करना होता है, ये बदल नहीं सकता। अच्छा, ईमेल अकाउंट क्रिएट हो गया, देन यूजर नेम क्रिएशन की अगर बात करें कि हमें यूजर नेम किस किस्म के रखने चाहिए। एक आप लोग यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं अपना पर्सनल नेम इस्तेमाल करते हुए, दूसरा आप लोग अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं कंपनी नेम इस्तेमाल करते हुए, ठीक हो गया। मतलब जब यूजर नेम क्रिएशन की बारी आती है तो आप लोग अपना पर्सनल नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप लोग किसी कंपनी का नेम भी देना चाहें तो भी आप लोग दे सकते हैं। अब पर्सनल नेम और कंपनी नेम की तरफ से क्या है, अब ये मीडिया गर्ल है, अब इसने एक अपना यूनिक सा नेम दिया, अपना नाम नहीं दिया, ये जॉय राइट्स है, अब उसने जॉय अपना नाम लिखा है। सेम यहाँ पे कंटेंट राइटर ने यहाँ पे लिखा है कॉपी राइटर। मतलब आप लोग यहाँ पे अपना कंपनी नेम या आप लोग अपना कीवर्ड नेम भी डाल सकते हैं जिसके ऊपर आप लोग काम करने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने नाम से, और मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना जब अकाउंट क्रिएट करें तो यूजर नेम आप लोगों को अपना ओरिजिनल नेम देना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल नेम एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमजा, मुझे पता है ये बंदा लेवल 2 है, हमजा ठीक है, ये इसकी अपनी पर्सनल ओरिजिनल प्रोफाइल है। अब एक्जेंड्रा क्लर्क है या जेडी ब्लूम या जैमी है, तो जो पर्सनल नेम होता है वो कस्टमर के माइंड के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि हाँ जी इस बंदे की प्रोफाइल ओरिजिनल है। तो आप लोगों को अपने नाम के साथ क्रिएट करनी चाहिए प्रोफाइल। दूसरा कंपनी नेम, कंपनी नेम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से उस बच्ची ने लिखा हुआ था अपनी प्रोफाइल के अंदर कॉपी राइटर या कंपनी नेम या कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो अपनी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की उसको बहुत अच्छी कमांड हो गई है और वो लोग और वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के रिलेटेड अपनी प्रोफाइल बनाने जा रहा है, तो वो पर्सनल नेम की बजाय अपना कंपनी नेम या कीवर्ड नेम यूज करते हुए यहाँ पे उसका अपना नाम लिख देता है ग्राफिक्स डिजाइनर 0990। अब उसने अपना ये यूजर नेम रख दिया, तो वो अपना कंपनी नेम या अपना कीवर्ड नेम भी डाल सकता है, वगरना वो यहाँ पे अपना
पर्सनल नेम भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा यही है कि आप लोग अपना पर्सनल नेम इस्तेमाल किया करें। अच्छा भाई यहां तक देख लो, नो वीडियो, हमजा राव बोल रहे हैं नो वीडियो। हमजा राव अब दोबारा बताएं, आपको क्लियर है, सब ठीक नजर आ रहा है? हमजा, बाकी बच्चे सबको क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सबको, वीडियो और मेरी ऑडियो? यस नाउ क्लियर सर, ठीक है। अच्छा जी ठीक हो गया। तो आप लोगों को ये पर्सनल नेम और कंपनी नेम और कीवर्ड नेम वगैरह का आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरह से रख सकते हैं। और इसका मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि ये नॉट चेंजेबल, एक दफा आप लोगों ने बना दिया तो आप लोग इसको बदल नहीं सकते। अब मैं यहां पे अपना यूजर नेम चेक करने लगा हूं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सुहेल, वो कहता है ऑलरेडी टेकन। मैं साथ में लिख देता हूं सरदार, वो बोलता है ऑलरेडी टेकन। मैं फिर ट्राई करता हूं सुहेल के बाद एसएसबी, वो कहता है सुहेल एसएसबी अवेलेबल है। या यहां पे मैं कर देता हूं सुहेल तौसा, वो कहता है ऑलरेडी टेकन। अब मैं यहां पे कर देता हूं एसएसबी स्क्वाड, एसएसबी स्क्वाड भी अवेलेबल है। अब इसी तरह से मैं अपने पर्सनल नेम के साथ या मैं इनफॉर्मल वर्ड्स या मैं अपने किसी भी राइटर्स मीनिया ऑलरेडी टेकन एसएसबी राइटर अवेलेबल है, तो इस तरह से आप लोगों ने अट्रैक्टिव सा अपना कोई भी नाम ढूंढना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सुहेल शिफ्ट प्रेस करते हुए ये ऊपर कीबोर्ड से ये साइन में ले सकता हूं, इसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं। मैं ये भी डाल सकता हूं अपने यूजर नेम के दरमियान में, स्पेस नहीं दे सकता, कभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना यूजर नेम रखते हुए बीच में स्पेसेस डाल के दिखाऊं, स्पेसेस नॉट अलाउड। ठीक हो गया। तो मैं ये भी कर सकता हूं सुहेल सरदार 938। अब उसने कहा ये भी अवेलेबल है, मतलब मैं इसके साथ साथ अपने लेटर्स भी दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे टेस्ट के लिए बना देता हूं एसएसबी राइटर। अब चूज अ पासवर्ड, पासवर्ड चूज करें जो 8 करेक्टर्स में हो या उससे ज्यादा हो, अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो और नंबर्स भी हो। तो उसके लिए हमारा परफेक्ट जो है वो यही पासवर्ड है। अलबत्ता हम क्या करते हैं, हम पासवर्ड डाल देते हैं यही वाला यूजर। अब यहां पे मैं लिख देता हूं ये, यहां पे यूजर ने मैंने क्या डाला था एसएसपी राइटर ताकि मुझे भूल ना जाए, और मैं पासवर्ड रखने जा रहा हूं ये वाला, लेकिन वो मुझे कहता है कि एक आपका यहाँ पे पासवर्ड के अंदर करेक्टर कैपिटल हो, तो मैंने एस को कैपिटल कर दिया। सेम मैंने पासवर्ड कॉपी किया, यहां मैंने पासवर्ड ला के डाला, देन मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब आप लोग देख सकते हैं यहां तक मेरी अकाउंट क्रिएशन फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं, रीसेंट ईमेल, या यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू नीड टू एक्टिवेट यूर अकाउंट। अब ये अकाउंट हमारा कहाँ से अप्रूव होगा? ये जो सबसे पहले ये वो हमें बता भी रहा है कि आप लोग अपना ssbfreelancing@gmail.com वाला जीमेल जाके सिलेक्ट चेक करें, उसके अंदर आप लोगों को ईमेल आई हुई होगी। और जब हमने अपना पहले अकाउंट क्रिएट शुरू किया था करना, तो सबसे पहला हमने क्या स्टेप किया था, क्रिएट योर जीमेल अकाउंट। ये वही जीमेल अकाउंट है जो हमने सबसे पहले सबमिट किया था, और इसके अंदर हमें ईमेल रिसीव होगी जो अभी तक नहीं हुई लेकिन हो जानी चाहिए थी। आ गई जी ईमेल, ये देखें फाइवर, फाइवर की तरफ यहाँ पे एक ईमेल आ गई है, ये वेरिफिकेशन के लिए ईमेल होती है। अब मैं इस ईमेल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिवेट योर अकाउंट। अब एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन आ रहा था कि काइंडली एक्टिवेट योर अकाउंट।
अब यहाँ पे वो लिख दिया उसने, मैंने जब लिंक पे क्लिक किया, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, मतलब ये हुआ कि यहां तक मैंने फाइवर का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। लेकिन जो मैंने बात की थी फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन की, अभी तक हमने फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट नहीं की, अभी हमने ओनली अकाउंट क्रिएट किया है। यहां तक जीमेल का काम फिलहाल खत्म हो चुका है, जीमेल का अभी हमें काम जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो जीमेल अपने लिए क्रिएट करना है नया, या ऑलरेडी आप लोगों के पास है उसका यूजर नेम पासवर्ड या ईमेल या पासवर्ड, आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब जो मैंने यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट कर दिया है उसका भी मैंने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे अपने पास सेव कर लिया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, जिशान ने क्वेश्चन किया है कि सर हम एक फाइवर, हम एक आईपी एड्रेस के ऊपर यानी एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर कितनी प्रोफाइल्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो नया बच्चा है उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने एक लैपटॉप के ऊपर, एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर सिर्फ एक ही प्रोफाइल यूज करें, उसके उससे ज्यादा प्रोफाइल उसने यूज नहीं करनी। वैसे मेरी जहां तक सपोर्ट के साथ बात हुई है फाइवर की, तो फाइवर की सपोर्ट ने मुझे कहा कि आप लोग दो प्रोफाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेम ये था कि किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी सिस्टर, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, उसका ब्रदर, उसका मदर, उसका फादर, कोई भी उनके साथ फ्रीलांसिंग करना चाहे, तो क्या एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर कुछ और काम नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये है कि आप लोगों ने डिफरेंट किस्म की प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों का कॉन्टेंट राइटिंग का काम चल रहा है, दूसरी आप लोगों ने अगर प्रोफाइल क्रिएट करनी भी है आप लोग कंटेंट राइटिंग की सेम प्रोफाइल नहीं बना सकते, आप लोगों को डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ग्राफिक्स डिजाइनिंग पे, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट पे, या किसी भी और चीज के ऊपर आप लोग सेम कंटेंट राइटिंग के ऊपर अपनी प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद सबसे अगला जो स्टेप आप लोगों ने लेना है वो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएशन का लेना है। अब आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि आप लोग जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ आ जाएगा, जहां पे ये मेरा एस बना हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू ओपन हुआ है, और उस मेन्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपकी प्रोफाइल, योर डैशबोर्ड, मैनेज रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, बिकम अ सेलर, सेटिंग वगैरह वगैरह, या लॉग आउट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चीज, वो हमारे लिए बिकम अ सेलर है या मेरे लिए फिलहाल अकाउंट क्रिएशन है, प्रोफाइल क्रिएशन है। अब मैं पहले प्रोफाइल को देख लूं, प्रोफाइल क्रिएशन पहले चलते हैं, बिकम अ सेलर पे। बिकम अ सेलर पे आप लोगों ने आके क्लिक करना है। जब आप लोग बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों के पास बिकम अ सेलर का ग्रीन बटन सामने होगा, और यहाँ पे आप लोगों को दुनिया के मुख्तलिफ टॉप फ्रीलांसर्स की डिटेल्स मिलती हैं, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से, नाम मुझे भूल गया है, हालांकि इनके साथ अच्छी मुलाकात है, अफसलाम, चलें आप में से किसी को अच्छे से याद होगा, इनकी पूरा नाम भी मौजूद है। तो मैं बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करता हूं, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को बिकम अ सेलर के लिए यहां पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक वीडियो मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं, वगरना आप लोग कंटिन्यू के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, देन दोबारा कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करेंगे, वो मजीद इंस्ट्रक्शंस देते हुए आप उसको दोबारा कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करेंगे। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे वो आप लोगों से पूछता है फुल नेम, यहाँ पे आप लोगों को अपना ओरिजिनल नेम देना चाहिए, चाहे आप लोगों ने यूजर नेम किसी भी नाम से क्रिएट किया, चाहे आप लोगों ने जो भी किया, आप लोगों को अपना यूजर नेम ओरिजिनल नेम से देना चाहिए, ये फुल नेम प्रोफाइल नेम के अंदर। अब अगली बात है हमारी प्रोफाइल पिक्चर की, कि हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर कौन सी दें। प्रोफाइल पिक्चर के लिए आप लोगों ने कोशिश करना है, आप लोगों ने अपनी अयान चौधरी,
अलियान चौधरी, यस आयान नहीं, वसीम दिलावर, हमजा राव ने ठीक है, अलियान चौधरी, इनका नाम अलियान चौधरी है। अब जो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, वसीम दिलावर, वैसे यार मैं आपको मिस करता हूँ, आप मेरे से बहुत अच्छे अच्छे और मजेदार क्वेश्चंस किया करते थे एकेडमी में, लेकिन अभी आप चुप हैं, या तो आप लोग ये क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं इसीलिए चुप हैं, या वसीम दिलावर इंशाल्लाह तब मजे से हमारे साथ गपशप किया करेंगे, क्वेश्चन किया करेंगे जब आगे हम नई चीजें शुरू करेंगे, क्योंकि एकेडमी वाले बच्चे गिग क्रिएशन पे पहुंच चुके थे, उनकी मेहरबानी के वो कुछ ना बेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ और रिवाइज भी हो रहा है उनका, तो आगे मजीद अच्छा चार्म क्रिएट होगा जब हम गिग क्रिएशन के बाद निकलेंगे मुख्तलिफ स्किल्स की तरफ। ठीक हो गया जी। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर लगाने की बात हुई है, प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल लगानी है, अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट की है आप लोग अपनी ओरिजिनल पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप लोगों ने अपनी कंपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, कोई स्किल बेस्ड प्रोफाइल क्रिएट की है, देन आप लोग कोई भी इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोगो किस तरह से क्रिएट होगा अगली चंद क्लासेस के अंदर आप लोगों को अच्छे से सिखाया दिया जाएगा, देन आप लोग भी क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप लोग अपनी कंपनी प्रोफाइल या आप लोग अपनी कीवर्ड बेस्ड प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो देन आप लोग लोगो या फॉर एग्जांपल कोई राइटिंग की प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, देन वो एक पेन, जिस तरह से कोई एक हैंड होता है लिखते हुए, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को टेस्ट करा दूं, एक वेबसाइट है freepik.com, यहां से आप लोग कोई भी पिक्चर उठाते हैं, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट्स नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आके राइटर सर्च करता हूँ, या मैं आ जाता हूँ unsplash.com पे, unsplash.com पे भी मैं आके राइटर सर्च करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइटिंग पिक्चर आ चुकी है, ये राइटिंग को इंडिकेट करती हुई एक पिक्चर आ चुकी है, ये राइटिंग को इंडिकेट करती हुई एक पिक्चर आ चुकी है, सेम इसी तरह से ये राइटिंग को इंडिकेट करती हुई पिक्चर आ चुकी है। अगर आप लोग अपनी कंपनी नेम या आप लोग अपनी कीवर्ड बेस्ड इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग यहां से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोगो कोई लगाना होता, तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोगो होते हैं, आप लोग लोगो भी क्रिएट करके लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि अपने नेम के रिलेटेड किसी और कंपनी का, ये BMW का लोगो उठा के नहीं लगा देना। सेम इसी तरह से आप लोग अगर देखें फ्री पिक के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ से भी बड़ी खूबसूरत इमेजेस और मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स और टेम्पलेट्स मिलेंगी, जिनका आप लोग बड़े अच्छे से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन जहां पे बात आती है अपनी पिक्चर लगाने की, तो ये आप लोग नहीं कर सकते कि आप लोग गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके आप लोग लिखें राइटर, देन आप लोग आ जाएं उसकी इमेजेस के अंदर और यहाँ पे से आप लोग ये इमेज उठा के लगा दें। इस इमेज के ऊपर आप लोगों को कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए आप लोगों को अनसप्लैश का बताया गया है, फ्री पिक का बताया गया है, वगरना आप लोगों को बताया गया था अगर आप गूगल से भी लेना चाहते हैं तो आप लोग टूल्स पे क्लिक करें और यहाँ से यूजेज राइट में आके क्रिएटिव कॉमन लेसन्स ले लें या आप लोग कमर्शियल लेसन्स ले लें। अब यहाँ पे आप लोगों को जो इमेजेस मिलती हैं आप उन इमेजेस का इस्तेमाल अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई डिटेल में कि आप लोगों ने अगर कंपनी और कीवर्ड बेस्ड अगर प्रोफाइल क्रिएट की है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट की है, तो देन आप लोगों को अपनी पर्सनल इमेज का इस्तेमाल करना होगा, आप लोग अपनी पर्सनल इमेज इस्तेमाल करेंगे और उसका यही तरीका है कि एक अच्छी सी खूबसूरत सी आप पिक्चर बना लें, और जो प्रोफेशनल पिक्चर है उसके लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लोजअप में हो, क्लोजअप में होने के बाद पासपोर्ट साइज में हो, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आप लोगों की हाफ पिक्चर नजर आ रही होती है उस तरह से हो। अब यहाँ से मैं कोई पिक्चर लेने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे से मैं किसी ऐसे बंदे की पिक्चर लेता हूँ जो मुझे इनफॉर्मल भी हो लेकिन फिर भी यहाँ प्रॉपर एडजस्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल अच्छी बात ये है कि किसी से अच्छी सी खूबसूरत सी पिक्चर बनवा लीजिएगा। चलिए जी, मैं ये पिक्चर ओपन करता हूं। अब ये पिक्चर बहुत दूर की है, मुझे करीब की क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को मैं फिलहाल कौन सा तरीका बताऊं?
फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, इस लोकेशन पे मेरी पिक्चर्स पड़ी हैं, ये यहाँ पे, और इसमें पहला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से मैं इमेज लेता हूँ सेम वही जो अभी हमने ट्राई की है, ये वाली। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, एडिट पे आता हूँ, देन यहाँ पे मैं एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। आप लोग ये भूल जाएं तो वीडियो में रिवाइज कर लीजिएगा, ऊपर क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको क्रॉप टू क्लोज कर लेता हूँ, क्लोजअप में ले लेता हूँ, ये यहाँ तक इमेज ले लेता हूँ, देन मैं यहाँ तक इमेज ले लेता हूँ, देन मैं इस इमेज को मजीद क्लोजली क्रॉप कर लेता हूँ, ये इतना, ताकि ये राउंड में जब वो सर्कल क्रिएट करे तो पिक्चर कटे नहीं। अब इसको मैं करता हूँ सेव अ कॉपी, डेस्कटॉप के ऊपर मेरी ये कॉपी क्रिएट हो रही है, ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दी। तो मेरी अगर कोई बड़ी इमेज भी पड़ी है तो उसका मतलब है कि मैं उसको क्रॉप करके भी लगा सकता हूँ क्लोजअप में। मैं दोबारा इमेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर चलता हूँ जहाँ पे अभी मैंने अपनी पिक्चर सेव की है। और ये मैं डिटेल में आप लोगों को इसलिए बता रहा होता हूँ कि अगर आप भूल जाएं और वीडियो दोबारा देखें तो आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ठीक हो गया, ये क्लोजअप में एक पिक्चर लग गई। आप लोगों ने ऐसी पिक्चर नहीं लगानी कि आप लोगों ने टांग पे टांग रखी हुई हो, या सोफे पे लेटे हुए हों, या बाग में बैठे हों, या किसी के हाथ थामे हुए हों, तो ये मेहरबानी फरमाइएगा, ये नहीं करना। क्लोजअप में इमेज लेनी है, प्रोफेशनल अपनी लुक दिखानी है। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं है तो आप लोग कहीं से स्पेशली क्रिएट भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ चुका है वो डिस्क्रिप्शन का आ चुका है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग कितने करेक्टर लिख सकते हैं, आप लोग 600 करेक्टर लिख सकते हैं, और मिनिमम आप लोग 150 करेक्टर तो जरूर ही लिखेंगे। अब अगर आप लोगों को मैं कोई भी फाइवर प्रोफाइल शो करूं तो आप लोगों को ये जो मैंने प्रोफाइल के अंदर ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई दिखाई थी, ये पोर्शन सेम उसी डिस्क्रिप्शन का ही है। लिहाजा यहां पे आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है उसके लिए आप लोग कल का लेक्चर मुलाहिजा फरमाएं। 30 मार्च के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखने के बारे में डिटेल में बताया था कि आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये होती है कि इसके अंदर आप लोगों ने अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रोफाइल ओपन की हुई है, वो लिखती है हाय, आई एम जॉब, अ 23 years old copywriter with a first class MA degree in journalism and a wealth of experience under my belt. From regional newspaper and online publication to blogs and even court reports, my varied experience means I can meet your needs, whatever the requirements. I guarantee 100% professional and plagiarism-free content. I am also familiar with Nunch. अच्छा जी, अब यहाँ पे एक question arise होता है, सर picture change हो सकती है? हाँ जी, picture इब्राहिम बदल सकती है, आप लोग बदल सकते हैं। अच्छा जी, और जो लोगो अपनी पिक्चर ना लगाना चाहे, नहीं लगाना चाहते लोगो लगा लें, लोगो नहीं लगाना चाहते कोई इंडिकेट करती हुई आपके स्किल को पिक्चर लगा दें, कुछ भी आइडेंटिकल सी चीज आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा जी, सर जी आपने तरीका तो नहीं बताया। सर जी आप हमजा, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डिस्क्रिप्शन आप लोग इस तरह से क्रिएट करेंगे कि आप लोग अपने कंपेटिटर्स को जाके देखें, 8, 10, 15, 20 लोगों के डिस्क्रिप्शन रीड आउट करें, आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखेंगे। और डिस्क्रिप्शन आप लोगों की अपने इंट्रोडक्शन के बारे में होती है, या आपके स्किल्स के बारे हल्का सा आप लोग बता सकते हैं। अब इस स्टेज के ऊपर आप लोगों को मुझसे ये क्वेश्चन करना चाहिए, सर हमारे पास स्किल्स तो है नहीं, हम अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखेंगे? हम अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर पर्सनली खुद के बारे तो लिख सकते हैं कि हाँ जी मैं, अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे, मैं जी कंटेंट राइटिंग कर लेता हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं डेफिनेटली आप लोगों को सेटिस्फाई करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप लोग फिलहाल अपनी जो डिस्क्रिप्शन लिखें, बेशक उनके अंदर आप लोग स्किल्स के ऊपर मेंशन ना करें आप लोग अपने स्किल्स, जब क्योंकि डिस्क्रिप्शन चेंजेबल है, डिस्क्रिप्शन एडिटेबल है, जब आगे चल के आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन
स्किल सीखते रहेंगे और आप लोगों के पास काफी सारे स्किल्स होंगे, या वक्त के साथ साथ आप लोग एट होम हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे किसी एक स्किल के अंदर, तो आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन को एडिट करके उसमें दोबारा तब्दीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिप्शन फिलहाल आप लोगों ने जनरल सी लिखनी है, अपने बारे में लिखनी है, अपने पंक्चुअल होने के बारे में लिखनी है, अपने हार्ड वर्किंग होने के बारे में लिखनी है, अपने जी कमिटेड टू योर टास्क के बारे में लिखनी है, इन ऑन टाइम डिलीवरी के बारे में लिखना है, ये जनरल सी बातें लिखनी है। सर जब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उन्होंने लिखा होता है, उनसे एक्सपीरियंस है, तो वो जो न्यू बना रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, वो क्या लिखेंगे? मिरहा नूर, यही मैंने आप लोगों की बात का डिटेल में जवाब देने की कोशिश की है। थोड़ा जूठा लिखो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसे ही है रब नवाज। एक्सपीरियंस के बारे में तो थोड़ा सा चुटकला आप लोगों को लगाना पड़ेगा, जब तक वो नहीं लगाएंगे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। और हम नए हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग तो नहीं लिख सकते कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, फ्रेश हूँ तो फिर काम कोई नहीं देगा। ऐसे ही बोल दें कि आई एम टू ईयर्स एक्सपीरियंस या एनीवन, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक हो गया। ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफाइल क्रिएट करते हुए, और नॉट अ बिग डील लिखते हुए। 150 वर्ड लिखना है, 200 वर्ड लिखना है, मतलब 600 करेक्टर लिखना है, देर भी नहीं लगती लिखते हुए आप लोग अगर लिखने के लिए बैठे। यहाँ पे मैं एक चीज दोबारा आप लोगों को बता दूं, जिसने डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम कॉपी की वो ऑर्डर के बारे में ना सोचे कि मुझे ऑर्डर मिलेंगे। फाइवर के ऊपर आप लोगों ने कोई भी चीज कॉपी नहीं करनी। और ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन तो एक आम सी चीज है, छोटी सी चीज है, अगर ये भी आप खुद नहीं लिखेंगे देन क्या करेंगे आप लोग, कस्टमर से किस तरह से बात करेंगे? बी कॉन्फिडेंट, खुद ट्राई करें, खुद लिखें। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम सुहेल सरदार फ्रॉम पाकिस्तान, 150 करेक्टर्स मिनिमम चाहिए, 35 लिखे हैं। नीचे वाला मैं इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैं यहाँ पे वैसे ही मैंने कुछ पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब बात आ जाती है आगे लैंग्वेज ऐड करने की। अच्छा जी, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एमए कोई टेक्स्ट पेश कर दिया, आप लोगों ने प्रॉपर लिखना है। आगे आ जाता है लैंग्वेज। अब बेसिक इंग्लिश यहाँ पे एडिट है, जिसके आगे लिखा हुआ है बेसिक, तो इसको पहले पहले तो आप एडिट करेंगे, बेसिक से इसको आप लोग फ्लुएंट तक कर दें इंग्लिश को, देन एड न्यू करें। उर्दू आप लोग एड कर सकते हैं, नेटिव एंड लिंगुअल कर दें, मादरी जबान है आप लोगों की। देन आप लोग हिंदी भी बोल सकते हैं, तो आप लोग फ्लुएंट इसको कर दें, नेटिव नहीं कर सकते, मादरी नहीं हमारी हिंदी। पंजाबी भी है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे पंजाबी भी ऐड कर सकते हैं, नेटिव एंड फ्लुएंट करते हैं। यहाँ पे आप लोग पांच लैंग्वेजेस, चार लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, वो हमने कर दी हैं। देन यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे प्रेस करता हूँ। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक हो गया। अब मैं अपना ऑक्यूपेशन बताऊंगा कि मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का काम करना चाह रहा हूँ, करता हूँ, जिसमें मैं क्रिएटिव राइटिंग करता हूँ, लीगल राइटिंग करता हूँ, ट्रांसलेशन का काम करता हूँ, देन मैं वेबसाइट कंटेंट का काम करता हूँ, ब्लॉग पोस्ट का काम करता हूँ। ये कब कब से कर रहा हूँ मैं? ये मैं कर रहा हूँ 2019 से लेकर 2021 तक, 2-3 साल हो गए हैं। एड न्यू पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे दोबारा ये भी बता सकता हूँ कि हाँ जी मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग का भी काम करता हूँ, जिसमें मैं बैनर क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लायर क्रिएट कर लेता हूँ, और ये काम मैं कर रहा हूँ 2020 से लेकर 2021, 1 साल हो गया है। सेम इसी तरह से आप लोगों ने स्किल्स ऐड करने हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट राइटिंग करने जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे तो आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशंस आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेंट राइटिंग, आप लोगों ने एक्सपर्ट लिख देना है। देन वो पूछता है आर्टिकल राइटिंग भी कर लेते हैं, सजेशन उसने खुद दी है, हम कहते हैं जी एक्सपर्ट लेवल पे। वो कहता है जी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी जानते हैं, मैं कहता हूँ यस एक्सपर्ट लेवल पे। देन वो कहता है कि हाँ जी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये वगैरह ये लोग भी आप लोग ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं, या एड न्यू करते हुए अगर राइटिंग से हटके अगला आप लोग काम करना जानते हैं जैसे कि है लोगो डिजाइन,
आप लोग लोगो डिजाइन कर सकते हैं एक्सपर्ट लेवल पे, आप उसको ऐड करें, नीचे फिर सजेशन आ जाएंगे। एड ऑफर शॉप का भी काम करते हैं, हम कहेंगे जी हाँ जी हम करते हैं। लगाना हर जगह एक्सपर्ट लेवल है आप लोगों को, यहाँ पे नीचे सजेशन आती जाएंगी, आप लोग सजेशन पिक कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपने स्किल्स ऐड करेंगे। ये वही स्किल्स हैं जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने लैंग्वेज ऐड की, ये देखिए ये मैंने स्किल्स ऐड किए, देन आगे मैं एजुकेशन ऐड करने जा रहा हूँ जो यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं एजुकेशन में आया, एजुकेशन में कर देता हूँ जी मैं पाकिस्तान, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जी मास्टर कंप्यूटर में, यहाँ पे कर लिखता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग जी मैंने की हुई है, और मैंने जी की हुई है एमएससी, मेजर सब्जेक्ट मेरा जी क्या था, पीएचपी था फॉर एग्जांपल, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग इंग्लिश, आप लोगों की लैंग्वेज, आप लोगों की जो एजुकेशन है वो आप लोगों की वेरीफाई नहीं होती, ना तो फाइवर कर सकता है ना फाइवर करता है, लिहाजा यहाँ पे आप लोग अपनी कोई भी एजुकेशन डाल सकते हैं, रिलेटेड टू कंप्यूटर, नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, आप लोग किसी भी तरह से, ये भी आप लोगों ने ऐड कर दिया। देन सर्टिफिकेशन की बात आती है, क्या वो कहते हैं आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट है, आपने किसी चीज की ट्रेनिंग ली हुई हो, कुछ भी किया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ, मेरे कोर्स का नाम था 3D डिजाइनिंग, ये जी मैंने स्किल डिवेलप कौंसल ISB से लिया था year 2018 में, ये मैं सर्टिफिकेट ऐड कर देता हूँ। अब मजे की बात है, आप लोग सर्टिफिकेट को स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंने वैसे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोफाइल क्रिएशन रेट क्रिएट हो रहा है 60% तक, आई थिंक सो, मैं अगर कंप्लीट कर पाया ये सारी चीजें तो मेरी प्रोफाइल जो है वो अभी क्रिएट हो जाएगी, वगरना नहीं होगी, इसीलिए हम मैक्सिमम सर्टिफिकेट को छोड़ देते होते हैं, आप लोग भी छोड़ सकते हैं। पर्सनल प्रोफाइल का पूछ रहा है मेरे से, यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल डाल देता हूँ suhailsardar.com, आपकी नहीं है आप लोग मत डालिएगा, आपकी नहीं है तो आप लोग मत डालिएगा, बल्कि आप लोगों की नहीं है आप लोगों ने नहीं डालनी, इसको ब्लैंक छोड़ दें आप लोग। देन मैं कंटिन्यू करता हूँ, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि हाँ जी जीमेल कनेक्ट करना है, फेसबुक कनेक्ट करना है, ट्विटर कनेक्ट करना है, ड्रिबल वीमियो कनेक्ट करना है। मैं कहता हूँ ठीक है जी, जीमेल कनेक्ट करा देता हूँ। जीमेल मैं जो ही कनेक्ट करने लगता हूँ, ये साथ में जीमेल मेरा ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है, वो कहता है जी इसको मैं अटैच कर दूं, आप लोग अपने जीमेल पे क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों का जीमेल के लिए वो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा हो तो आप लोग अपने जीमेल के यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देंगे। दूसरी बात वो मेरे से पूछ रहा है कि आप अपने यहाँ पे फेसबुक आईडी अटैच करें, ट्विटर आईडी अटैच करें। ये जो मैंने जीमेल एड्रेस यहाँ पे अटैच कर दिया ये नॉट चेंजेबल है। फेसबुक आईडी भी मैं यहाँ पे जो लगा दूंगा वो मैं बाद में नहीं बदल सकता, और वो फेसबुक आईडी जो यहाँ पे मैंने कनेक्ट पे क्लिक करते हुए यहाँ पे अटैच कर दी, वो मैं एंड द नेक्स्ट अपने फाइवर के किसी भी अकाउंट को क्रिएट करते हुए अटैच नहीं कर पाऊंगा। तो ये फेसबुक आईडी मैंने अपनी अटैच करनी है, ट्विटर आईडी मैंने अपनी अटैच करनी है। अब मेरे पास फेसबुक आईडी नहीं है, मेरी ऑलरेडी अटैच्ड है, ट्विटर मेरा ऑलरेडी अटैच्ड है, ड्रिबल मेरा ऑलरेडी अटैच है, वीमियो मेरा ऑलरेडी अटैच है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो वो मुझे बोलता है कि भाई तेरा जो 35% क्रिएशन रेट है, फोन नंबर अपना वेरीफाई कर। अब मैं फोन नंबर, वो कहता है ये ईमेल या फोन नंबर आप लोगों के प्राइवेट रखे जाएंगे, और आप लोग फिलहाल क्या करें के अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। ऐड मोबाइल नंबर, फोन नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ पाकिस्तान के बाद, वो मेरे से मेरा मोबाइल नंबर मांगेगा। वेरीफाई बाई SMS पे मैं क्लिक करूंगा, मुझे SMS रिसीव होगा, SMS में वेरीफाई करूंगा, और उसके बाद आप लोग पब्लिश या सेव कर देंगे तो आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा और शॉर्ट सा वे था कि आप लोग किस तरह से अपनी फाइवर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टफ लगे, मुश्किल लगे, आप लोग पहली दफा कर रहे हैं, तो दो बातें कान खोल के सुन लो आप लोग। एक, आप लोगों को आज असाइनमेंट की सूरत में ये दे दिया गया है कि मंडे वाले दिन आप लोगों ने अपनी ये प्रोफाइल्स क्रिएट करके मुझे चेक करानी है। मंडे वाले दिन मैं ये नहीं सुनूंगा सर जी समझ नहीं आई थी, सर जी पता नहीं था, सर जी हमारे से नहीं हो पाया। 4 दिन है आप लोगों के साथ,
पास आप लोगों ने इन दिनों में मुझे टच करना है, मेरे रबते में रहना है और ग्रुप के अंदर भी आके पोस्ट करना है कि हाँ जी हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये समझ यहाँ नहीं आ रही। मंडे का इंतजार नहीं करना कि हम सर को कहेंगे नहीं हुआ, वो खुद दोबारा बता देंगे। नहीं, अगर किसी को समझ ना आए तो वो अपने ग्रुप के अंदर बताएगा, मैं हेल्प कर दूंगा, वगरना सीनियर्स मौजूद हैं, सीनियर्स आप लोगों की हेल्प कर देंगे। और एक चीज कि जब भी आप लोग हमें कोई चीज बताने की कोशिश करते हैं कि सर जी मुझे ये समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल यहीं पे आप लोग प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों से ये मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर नहीं हो पा रहा, मोबाइल नंबर अगर आप लोगों से एंटर नहीं हो पा रहा यहाँ पे, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना स्क्रीन शॉट क्रिएट करें, पिक्चर ले लें अपने डेस्कटॉप की। उसके लिए आप लोगों का जो कीबोर्ड है उसके ऊपर प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, वो प्रिंट स्क्रीन आप लोग करते हुए पेंट में जाके उसको पेस्ट करके एक पिक्चर बना के आप लोग हमें पिक्चर बना के दिखा सकते हैं, या आपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की पिक्चर लेके इंडिकेट कर सकते हैं, हाँ जी ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही। तो किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा हमारे से पूछेगा, सर हमारा लिखा हुआ किसी अरसे से मैच कर जाए तो। देखो मुदस्सिर एक होता है लिखा हुआ अचानक मैच कर जाना, और वो भी 600 करेक्टर सारे के सारे मैच हो जाना, नॉट पॉसिबल, नहीं मुमकिन। आप लोग अपने जहन से लिख रहे हैं ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी किसी के साथ चीज मेरी मैच हो जाए, जब तक कि आप उसका पूरे का पूरा कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी तो आप लोगों ने करना नहीं है, खुदारा जिस बच्चे ने कॉपी किया मैं उसकी आगे की कोई भी बात का जिम्मेदार नहीं होगा। कॉपी नहीं करना, खुद लिखना है, और यार बहुत छोटा सा लिखना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, खूबसूरत तरीके से आप लोग लिखें, और ये ना कहेंगे जी मुझे पता है मैं बस लिखने लगा हूं, 8, 10, 15, 20 लोगों के लिखे हुए पढ़ लें, वहां से आप लोगों को अल्फाज का जखीरा मिल जाएगा, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में क्या डिफरेंट है? आर्टिकल आप लोगों का पब्लिकेशन के लिए भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में भी छप सकता है, किसी और पब्लिकेशन में भी जा सकता है, आर्टिकल वो किसी बुक की सूरत या किसी भी सूरत में हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट ये होता है ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई ब्लॉग लिखना, वो एक डिफरेंट चीज है। हमारी प्रोफाइल तो बनी हुई है पहले से, अब न्यू बनाएं या नहीं? जिनकी प्रोफाइल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और मंडे वाले दिन जो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा और आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करानी है, आप लोगों ने अपनी पुरानी प्रोफाइल्स के बैकलिंक सबमिट कर देने हैं। अब पुरानी कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो एक्सेप्टेबल होंगी, जिनके ऊपर आप लोगों ने कोई नेगेटिव रिव्यू आप लोगों को नहीं आया हुआ, रिस्पॉन्स टाइम आप लोगों का डिक्रीज नहीं है ऑलरेडी, या आप लोगों का ऑर्डर कंप्लीशन रेट ऑलरेडी डिक्रीज नहीं है। अगर आप लोगों की प्रोफाइल फुल हेल्दी है, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं, कोई आप लोगों का कोई स्टैट नहीं गिरे हुए, देन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों की नई प्रोफाइल है, ऑर्डर डी रेटिंग हुई है आप लोगों की, ऑर्डर कंप्लीशन रेट गिरा हुआ है, रिस्पॉन्स टाइम आप लोगों का गिरा हुआ है, तो देन आप लोग अच्छी बात है कि नई प्रोफाइल क्रिएट कर लें। सर अगर हम FB अटैच ना करें और कुछ भी सिवाय जीमेल के अलावा तो कोई मसला तो नहीं है? अच्छी बात है कि फेसबुक अटैच नहीं करनी, कल फेसबुक आप लोगों की बंद हो गई, आप लोगों की अपनी प्रोफाइल तक एक्सेस लिमिटेड हो सकती है, लिहाजा जीमेल से क्रिएट करें। एकेडमी वालों ने सबमिट नहीं करानी ना, आप भी करवाएंगे, एकेडमी वाले बच्चे अब हमारे साथ इस ऑनलाइन फेज में आ चुके हैं, तो आप लोगों ने भी असाइनमेंट सबमिट करानी है, और एकेडमी वाले जो बच्चे भी इस चीज को पूछें आप लोगों को बताइएगा कि आप लोगों ने जरूर सबमिट करानी है, और अच्छी बात है कि कंटेंट राइटिंग वाली असाइनमेंट भी सबमिट करा दीजिएगा। छह में से बनाई हुई है और कोई ऑर्डर नहीं आया, बस चैट हुई थी एक बार, फिर न्यू बनाएं या वही रखें, एक गिग बनाई हुई है एक माह से। हमजा अगर आप लोगों का ऑर्डर रिस्पॉन्स टाइम ओके है, ऑर्डर कंप्लीशन तो आपको ऑर्डर मिला नहीं, ऑर्डर कंप्लीशन रेट आप लोगों का ओके होगा, आप लोगों को ऑर्डर मिला नहीं, आप लोगों की डी रेटिंग भी नहीं हुई होगी, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स टाइम ओके है, हर चीज ओके है, तो आप लोग चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये समझते हैं कि जो मैंने प्रोफाइल क्रिएशन में आप लोगों को कुछ चीजें बताई हैं वो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल में मिस की हुई हैं, तो अगर आप लोग दोबारा बनाना चाहें भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक हो गया जी। 32 बच्चा बैठा है, पता नहीं नवाब के बच्चे आज कहाँ हैं, बाकी 40 बच्चे तो हमारे एकेडमी के बच्चे आने से पहले होते थे लाइव, और बाकी एकेडमी के बच्चे आने के बाद पता नहीं क्या चक्कर है, 50 होना चाहिए था, 18 बच्चे कम है आज। तो यहां तक समझ आ गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई इश्यू है तो वो मेरे से पूछ सकता है, वो मुझे बता सकता है। खालिद हसनैन, आपकी प्रोफाइल ठीक है, आप लोगों की नई बनाई हुई प्रोफाइल है, अभी आप लोगों को स्किल्स नहीं दिए गए, आप लोग एक दो स्किल बना के ऊपर बना के बैठे हुए हैं अपनी गिग्स। अगर इंप्रेशन डाउन हो रहे हैं तो तसल्ली रखें, नए स्किल्स जब ऐड होते जाएंगे, आप लोग नई गिग्स क्रिएट करते जाएंगे तो ओके होता जाएगा। पहला अकाउंट डीएक्टिव करना जरूरी है सर, अगर आप लोग सेम ईमेल एड्रेस, सेम फेसबुक अकाउंट, सेम ट्विटर जो अटैच है, सेम मोबाइल नंबर के साथ आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो देन आप लोग अपना अकाउंट डीएक्टिव भी करें और सपोर्ट से कह के उसको क्लोज करवाएं, अगर आप लोगों ने सेम क्रीडेंशियल्स यूज करने हैं। अगर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है सेम क्रीडेंशियल्स का, आप किसी और जीमेल अकाउंट के ऊपर, किसी और मोबाइल नंबर के ऊपर, किसी और फेसबुक के ऊपर अटैच कर सकते हैं तो देन आप लोग नहीं बना लें, कोई मसला नहीं है, डीएक्टिव चाहे ना करें, लेकिन ये है कि एक दफा आप लोगों ने अगर उसको डीएक्टिव कर दिया दोबारा ना ओपन करें, या डीएक्टिव नहीं किया छोड़ दिया तो दोबारा उसको लॉगिन नहीं करना। सर अगर प्रोफाइल पर्सनल नेम से बनाए तो प्रोफाइल में अपनी पिक लगाना कंपलसरी है, बच्चे कंपलसरी कुछ भी नहीं है, जैसा मर्जी यूजर नेम क्रिएट करें, जैसी मर्जी पिक्चर लगाएं, अच्छी बात यह है कि आप लोगों की प्रोफाइल आपके नाम से होनी चाहिए। और अगर अब भी आप लोग अपनी प्रोफाइल्स खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों की प्रोफाइल के लिंक्स हम लोग ग्रुप के अंदर पब्लिक नहीं करेंगे, ये आप लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं किसने क्या गलती की हुई है, वगरना अगर कोई बच्चा इस वजह से ये चीजें कंफ्यूज हो रहा है कि बाद में मेरी प्रोफाइल पब्लिक की जाएगी, स्टूडेंट्स बाकी को दोस्तों को दिखाई जाएंगी सबको, तो ऐसा नहीं है। प्रोफाइल या आप लोगों की जो गिग्स हैं अब से आप लोगों की चीजें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, किसी के साथ कोई चीज शेयर नहीं की जाएगी, सिवाय आप लोगों के आज संडे वाले दिन जो हम चेक करेंगे कंटेंट राइटिंग के हवाले से। ठीक हो गया जी, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिस्मिल्ला करें, आज रेस्ट करना चाहें करें, कल से लग जाएं, मुझे संडे वाले दिन आप लोगों के कंटेंट राइटिंग की चाहिए। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करके ये भी देख लूंगा कितने बच्चों ने अपनी अब तक हम मुझे कंटेंट राइटिंग की असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। अब तक जी मुझे 17 बच्चों ने असाइनमेंट जमा करा दी है, तो इस तरह से नहीं चलेगा, मैंने एक एक बंदे को वेरीफाई करना है किसने मुझे सबमिट करवाया कंटेंट या नहीं, तो संडे तक आप लोगों के पास टाइम है जरूर कीजिएगा। सर क्या फेसबुक ट्विटर ऐड करना जरूरी है? जब तक ऐड कर जरूरी है, जब तक आप लोग नहीं करेंगे, आप लोगों को मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पाए तो आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीशन रेट चल रहा है, ये कंप्लीशन रेट 35 तक मैं लेके आ सका हूँ, क्योंकि बाकी चीजें वो मैंने अटैच नहीं की थी, अगर वो अटैच नहीं करेंगे ये 60% तक नहीं पहुंच पाएगा, और 60% तक नहीं पहुंच पाएगा तो आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी, आप लोगों को इसको वहां तक ले जाना जरूरी है, उसके लिए ये सारी चीजें आप लोगों को अटैच करनी पड़ेंगी। सर डॉलर फोर अकाउंट में है, डीएक्टिव नहीं हो रहा, न्यू जीमेल पे बना लो अकाउंट, बिल्कुल बना लें, दोबारा इस अकाउंट को ओपन नहीं करना, या पेपॉल के जरिए आप लोग इसको विड्रॉ कराना चाहें तो किसी एक्सचेंजर के थ्रू विड्रॉ करके देख लें, अगर $4 हो जाए। कंटेंट का टॉपिक किसी सब्जेक्ट पे कर सकते हैं? किसी सब्जेक्ट पे कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, टूरिज्म इन पाकिस्तान में कर सकते हैं, या क्या कहते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग कर सकते हैं, टॉपिक के ऊपर, एक छोटे से वर्ड के ऊपर नहीं, टॉपिक के ऊपर आप किसी टॉपिक पे लिख के ला सकते हैं। ठीक है जी, मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे इजाजत है, और जो अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराएगा मैं कुछ जुर्माने का भी सोच रहा हूं।
सर एक जीमेल पर अकाउंट बनाया था फिर डिएक्टिव कर दिया, तो क्या दोबारा उस जीमेल पे अकाउंट बना सकते हैं? पहली बात ये है, क्यों ऐसे बखेड़ों में पड़ना है जब नया अकाउंट जीमेल बन सकता है और फ्री में बन सकता है? और दूसरा, अगर डिएक्टिव कर दिया था तो आप लोग उसके ऊपर फिर भी नहीं बना सकते, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट से उसको प्रॉपर डिलीट नहीं करवाया डिएक्टिवेशन के बाद कि मैं इसको रीयूज करना चाहता हूं, लिहाजा दोबारा नया बना लें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। किसी को कोई मसला हो मंडे से पहले, संडे से पहले ग्रुप में पूछना है मेरे से, या पोस्ट करके, या मेरे से इनबॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो मंडे या संडे वाले दिन। ये नहीं कहना सर जी हमें समझ नहीं आई थी, और मैंने एक एक बंदे को देखना है कि कौन कौन सा बच्चा सबमिट करवाया और किसने नहीं कराया। पहली बात, एहसास दिलाने के लिए ये मैं बातें करता हूँ। अगर नहीं करेंगे आप लोग अपना नुकसान करेंगे। ये 3 महीने आप लोग जाया कर देंगे। मैंने 3 महीने आप लोगों से मांगे हैं इखलास से, खलूस से मुझे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत ज्यादा तरक्की देगा, फायदा देगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।